22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब आधा दर्जन विभागों के मंत्रियों के साथ गौ कैबिनेट का गठन किया और एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य में इसकी मीटिंग की। दावा किया गया कि प्रदेश में गौ वंश की दशा सुधारने के लिए कैबिनेट हर तरह के कदम उठाएगी। आज ठीक 2 साल बाद अनुराग द्वारी ने इसकी पड़ताल की तो मालूम हुआ कि लाखों की तादाद में गौ वंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं। जो गौशालाओं में हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए सरकार के अनुदान का इंतजार है जो पिछले 8 महीने से नहीं मिला है। आर्थिक रूप से हमको जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और गायों की संख्या भी अधिक है। सबसे महंगा ये भूसे की सबसे ज्यादा समस्या है, तो भूसे की समस्या, भूसा बहुत महंगा है। इस टाइम शासन से अनुदान कम मिलता है, समय पर नहीं मिलता है। छोटा सा परिसर है, छोटे से परिसर के अंदर 900,000 पशु आ नहीं पाते, उसके लिए शासन से मांग की हमने लगभग 10 एकड़ जमीन की। गाय की तस्करी करने वाला, गाय का व्यापार करने वाला, गाय को कटवाने वाला स्कॉर्पियो में घूम रहा, और गाय चराने वाला, गाय गौशाला संचालन करने वाले के पास किराया नहीं, वो गौशालाएं सभी कर्जे की ओर चल रही। सड़क के बीच में, सड़क के किनारे, कूड़े के ढेर पर, दिन में या फिर रात में, मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आपको गाय दिखाई देगी। लाखों की तादाद में मौजूद गोवंश की सरकार कितनी फिक्र कर रही है इसको देखने हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा पहुंचे। माधव गौशाला, साल 1926 में बनी यह गौशाला अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। यहाँ 300 गाय की क्षमता है, मगर क्षमता से करीब 3 गुना यानी लगभग 900 गाय यहाँ मौजूद है। जिला मुख्यालय पर स्थित इस गौशाला में गायों को देखभाल के लिए भूसा, चारा, मजदूरी, बीमार गायों को इलाज के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं। अनुदान के नाम पर सरकार की तरफ से 20 रुपए प्रति गाय दिया जाता है, वो भी पिछले 8 महीने से नहीं मिला। राशि को लगभग नहीं मिला, साल भर गड़बड़ हो गया है, पर वो पैसे समय समय पे 5-6 महीने दूसरी गौशाला में जल्दी वितरित कर देते। हमारे गौशाला में अनुदान जो आता है, अनुदान राशि, वो बहुत लेट आती है। अभी लगभग 1 साल भर से हमारे अनुदान, अभी अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। पाचारुंडी गांव में श्री देव नारायण गौशाला है। 2019 में सरकार ने इसे बनाया, मार्च 2022 तक पंचायत ने चलाया। अब ईश्वर सिंह यादव इसे संभालते हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों से अनुदान नहीं मिला है। गायों का पेट भरने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया, 5 लाख का कर्ज हो गया, अब गौशाला छोड़ने का मन बना रहे हैं। हमने 1 अप्रैल 2022 से जब चल रहे, तो अभी तक 1 रुपया भी हमारा हाथ में कुछ भी नहीं आया, और अनुदान की राशि जो 20 रुपये प्रति गाय के हिसाब से मिलती है, उसमें गौशाला का पूरा मैनेजमेंट देखना है, यहाँ काम करने वाले वर्करों की सैलरी और भूसा, और उसमें कुछ 15% या 20% ऐसे की खली भी खिलानी है। उस हिसाब से देखो तो भूसा ही 10 रुपये किलो मिल रहा है, तो 20 रुपये गाय से, गाय 5 किलो खाए तो 50 रुपये का भूसा खा जाती है। इसी गांव में राधेश्याम विश्वकर्मा श्री सुदामा गौशाला का संचालन करते हैं, गौवंश की देखरेख स्वयं करते हैं। सरकारी अनुदान के लिए कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी महीनों अनुदान का इंतजार करना पड़ा, सो गौशाला के खर्च को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से लगाकर आज दिनांक तक के जोड़े तो हम 43 महीने होते हैं, उसमें हमको मात्र 12 महीने की राशि बाकी मतलब मिली है, तो ये हमारे 31 महीने की, इस महीने को भी जोड़े तो 31 महीने की राशि बाकी सरकार की तरफ से चल रही, जो कि गौशालाएं कर्जे में है। मान लो मैं तो ये गोकास्ट बनाता हूँ या और अन्य प्रकार से मैं सक्षम हूँ तो मैं चला रहा हूँ, बाकी बहुत सारे गौसेवक ऐसे हैं, गौशाला चलाने वाले ऐसे, जिनके पास किराए के पैसे नहीं। इन गायों में कुछ का रंग सफेद है, कुछ का काला और कुछ का कत्थाई भी। सरकार मुट्ठी भर अनुदान के नाम पर सेवा का दावा तो करती है, मगर हकीकत आपके सामने है। सब लाइन से निकल जाएगी। मध्य प्रदेश में 1,87,00,000 से ज्यादा गौवंश है। राज्य में अभी 627 निजी, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना से बनी 951 गौशालाएं हैं, जिनमें 2,55,000 से अधिक गाय हैं। इनके साल भर के खाने के लिए ही करीब 184 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। 1,800 गौशाला और बनाने की योजना है। इस योजना की एक बानगी आगर मालवा में देखिए, जहां देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। 2012 में मोहन भागवत ने इसका भूमि पूजन किया था, 2016 में काम पूरा हुआ, 2017 से यहां गौवंश रहने लगे, लेकिन 24 शेड और 6,000 की क्षमता है गायों की, कुल 4,000 गाय यहाँ पर है। 30 करोड़ का ढांचा यहां खड़ा हो गया, लेकिन प्लानिंग ऐसी अद्भुत कि 1 दिसंबर से एक स्वयंसेवी संस्था देश के पहले गौ अभयारण्य को चलाएगी। सियासत में अब गाय को खूब दुहा जाता है, फिर चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष,
सब गाय का अपने अपने तरीके से सियासी इस्तेमाल करते हैं, असल फिक्र किसी को नहीं। अगर फिक्र होती तो गाय यूं सड़क पर न रहती और न ही कचरे के ढेर में अपना भोजन तलाशती। आगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।